मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी एवं विधायक कुणाल चौधरी कल देर रात रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना हो रहे थे। उसी दौरान देर रात ट्रेन कटनी के मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां कटनी जिले के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं दोनों ने ही मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर महंगाई के मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा। रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल जाने के दौरान कटनी के मुड़वारा स्टेशन पर उतर जीतू पटवारी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा की सरकार को उखाड़ने और कांग्रेस को वापस लाने में ललचित है, क्योंकि भाजपा के सीएम शिवराज 20 सालों से मध्य प्रदेश की जनता से लगातार 1,00,000 झूठ बोल चुके हैं। गरीब किसान की आय दुगनी करने और बेरोजगार युवा को कई बार रोजगार दिलाने की बात शिवराज सिंह चौहान ने कही, लेकिन आज तक उनके द्वारा किए गए वादे धरे की धरे रह गए हैं। इसलिए आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता इस बार कांग्रेस की सरकार लाएगी। वहीं जीतू पटवारी के साथ मौजूद कुणाल चौधरी ने भी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार मीडिया की आवाज भी दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मीडिया कई बार मध्य प्रदेश सरकार के कारनामे फ्लैश कर चुकी है। वहीं सोशल मीडिया की बात की जाए तो वहां पर भी दबाव बनाकर पोस्ट हटाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। पीबीसी के लिए कटनी से ब्यूरो हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सरकार चली, हमने पॉजिटिव जिस तरीके से डिसीजन लेके कमलनाथ जी ने निर्णय लिए सर्वविदित है, तो हर हालत में आम जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने पे उतारू है और कांग्रेस को लाने पे लालायित है। राजभवन में जो घेराव करने जा रहे हैं दो बातें हैं, एक प्रदेश के मुद्दे हैं जो मैंने आपको बताया। क्यों निलंबन किया मेरा? इसलिए कि हमने पूछा कि आपने कर्जदार प्रदेश को बनाया, इसलिए कि हमने ये कहा कि आपने किसानों की आय दुगनी करने की थी, आपने लागत दुगनी कर दी, इसलिए कि आपसे ये पूछ लिया कि आप कर्ज लेते हो तो इस पैसे का क्या करते हो, या इसलिए कि युवाओं को नौकरी नहीं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जितनी बातें की देश के सामने, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अल्टीमेटली अडानी वाले इशू पे SBI में आम जनता का पैसा, LIC में आम जनता का पैसा, इसका डुबत खाते में जा रहा है। ऐसी ही महंगाई की इतनी बड़ी जो मैंने अभी भावना व्यक्त की, ये भावना अल्टीमेटली देश की सरकार की इतनी बड़ी नाकामियों के कारण हुई। वो चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को जीने में जो आवश्यकता है उसकी बात हो, वहाँ भी बेरोजगारी की बात हो, तो अल्टीमेटली दोनों जगह फैली हुई है और इन्हीं मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव है। बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक मारा, बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक बहना योजना चला करके मारा है, इस पे क्या बोलना चाहते हैं? 20 साल से बहन की याद नहीं आई। और रही बात अभी, तो जिस भावना को हम समझे कि वोट लेने के लिए बहन की याद आती है, पर अल्टीमेटली देने के लिए क्या है? आपने उसी बहन को सबसे ज्यादा अत्याचार, बलात्कार और अपहरण इसी प्रदेश में होते हैं ना, NCRB के आंकड़े क्या कहते हैं? आप ये बताओ कि जो बहन हमारी इतने साल से शिवराज सिंह जी ने जो, कि अगर शिवराज जी को बहन के मदद ही करना है तो जो टंकी 1115 रुपए में मिल रही है वो 1,000 रुपए कम करके 125 रुपए में देने लग जाए। जो कवि तो होता, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कुमार विश्वास जी ने जो कहा कि मध्य प्रदेश में पता नहीं चलता है कौन कहाँ कब कैसे किस पार्टी में है, तो ये वही लोग हैं जो पैसे लेके इधर से उधर गए, वही लोग हैं जो अपना जमीन बेच के इधर से उधर गए, वही लोग हैं जो अपनी माँ को बेचकर दूसरी माँ कर ली, उन्हीं लोगों के लिए था। आपका विषय ये भैया, आपकी परीक्षा चल रही है, आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जर्नलिज्म से, ये जर्नलिज्म से, जर्नलिस्टों से, खोजी खबर के खोजदारों से ये आग्रह कर रहा हूँ कि ढूंढो कि गोवा का राजदार कौन है। धन्यवाद। रोज गोवा में बड़े बड़े अखबारों में, हिंदुस्तान की खबरों में छप रहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की शर्मसार करने वाली घटना स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कौन गोवा का राजदार है, किसने इस प्रकार की गलती करी है, इसके कारण मध्य प्रदेश कांग्रेस
कर रही है इस मामले, कौन भाजपा उसको प्लस क्यों नहीं कर रही है? देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो मीडिया के द्वारा खबरें आई, जो मीडिया के द्वारा वहां से निकली थी, वहां से बात को स्पष्ट है, उस बात को मीडिया पे सोशल मीडिया पे डाला तो उल्टा चोर कोतवाल को डाले। जो सरकार इस बात को बचाने में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट ना हो जाए कि एक और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने उस बात को रखा है मीडिया। कांग्रेस की आईटी सेल पर मामला भाजपा के दर्ज कराया है, क्या आधार है उसका? मैं यही तो कह रहा हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डाले। मीडिया ने पूरे देश के अंदर अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।